नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एग्जाम टीवी पे स्वागत करता हूँ। और आज हम देखेंगे ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि ए बी बराबर बी सी और एंगल बी आपको अक्स डिग्री एंड एंगल ए बराबर 2x - 20 डिग्री। तो आपको बी की वैल्यू याद करनी है, तो ये एंगल अक्स है, इसकी वैल्यू याद करनी है। और ये ए बी, यहाँ पे देखो ए बी और ए बी सी ये बराबर है। अगर ये भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके जो सामने के एंगल हैं ये भी बराबर होंगे। अगर ये 2x - 20 है तो ये भी 2x - 20 डिग्री होगा। अब देखो, किसी भी ट्रायंगल के सब कोणों का योग 180 होता है। तो x डिग्री प्लस 2x - 20 डिग्री प्लस 2x - 20 डिग्री ये 180 के बराबर होता है। अब देखो, x डिग्री 2x डिग्री और 2x डिग्री तो ये हो जाएगा 5x डिग्री -40 बराबर 180 डिग्री। अब देखो, 5x बराबर ये 40 माइनस वाला है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 डिग्री। और अगर x की वैल्यू मेरे को याद करनी है तो 220 है, उसमें मैं 5 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा 44 डिग्री। ठीक है, इसी टाइप से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है पी क्यू और पी आर, ये आपस में बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो, एंगल ये 100 दिया हुआ है और ये सरल रेखा है, इस पे बना हुआ पूरा कोण होता है 180, तो ये 100 है तो ये बचा हुआ हो जाएगा 80 डिग्री। और ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 80 है, ये 80 है। और ट्राइंगल के सब कोणों का योग 180 होता है, तो ये 80 + 160, तो ये बचा हुआ कोण है ये 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को ज्ञात करना था एंगल क्यू पी आर, ये हो जाएगा 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। तो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, ये एक संभव इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब संभव त्रिभुज है, और आपको वाई की वैल्यू है ये ज्ञात करनी है। अगर ये देखो, पूरा एंगल बात करूंगा मैं, पूरा एंगल की, तो ये पूरा एंगल मेरे पास हो रहा है 2x, 3x, 4x, तो ये 4x हो रहा है। अगर ये संभव है तो ए बी सी ये भी 4x होंगे और ये एंगल भी 4x डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो, ये एंगल x है, ये 4x है, और देखो इसमें 4x + 4x + 4x संभव त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज में 180 तीनों का मिला के 180 हो जाएगा, तो 4 × 12x बराबर 180 डिग्री होगा। और x बराबर 180 में मैं 12 का भाग दूंगा, तो 12 × 12 = 12×60, तो x की वैल्यू मेरे पास 15 आ गई। तो ये देखो, ये अगर 15 डिग्री है तो ये 15 × 4 ये 60 डिग्री संभव है, तो ये 60 डिग्री होगा। अब 60 है और ये 15, तो ये y मेरे पास हो जाएगा 75 डिग्री। अगर आप किसी भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के इन दोनों कोणों का योग, ये बाह्य कोण है, इसके बराबर होता है, या फिर आप देखो 15 और 60 ये 75 होता है, और ये 180 में से कटेगा तो 105 हो जाएगा। अब इस पे देखो 180 होता है, 180 में से 105 जाएगा तो 75 आएगा। तो आपके पास देखो एंगल वाई है, एंगल वाई आ गया 75 डिग्री। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एग्जाम टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।